नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय, नेहरी एनसीईआरटी शिलांग, एनआईओएस के इस स्टूडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर हितेश शर्मा तेजपुर विश्वविद्यालय से हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खेल कूद विधि के बारे में। शिक्षण अधिगम की क्रिया में खेल कूद विधि कितनी उपयोगी है, हम आज इसके बारे में समझेंगे डॉक्टर हितेश शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, हम एक अनुदेशात्मक शिक्षण विधि के बारे से परिचित हैं। अनुदेशात्मक शिक्षण विधि क्या है? नमस्कार सर, हमने जो हमारी जो प्रभावकारी शिक्षण विधियों के बारे में बातें की थी, उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया था। एक है हमारी अनुदेशनात्मक विधियाँ, जो कि शिक्षक केंद्रित विधियों के रूप में जानी जाती है, और दूसरी है हमारी विद्यार्थी केंद्रित या विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। दो तरह की मुख्य मोटे मोटे तौर पर हमने दो भागों में इसे विभाजित किया था। तो जो हमारी जो अनुदेशनात्मक विधियाँ हैं, शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं, उसके अंदर हमारे पास है व्याख्या विधि। सभी परिचित है, सबसे ज़्यादा प्रयोग जिस विधि का विद्यालय में होता है वो है व्याख्या विधि, जिसमें शिक्षक व्याख्यान देते हैं और विद्यार्थी उस व्याख्यान को सुनते हैं, समझते हैं, अपने नोटबुक में नोट करते हैं और मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिख कर रखते हैं। व्याख्यान विधि सर्वप्रचलित विधि है, हम सभी ने उससे अध्ययन किया है, अध्यापन करते हैं। दूसरी अनुदेशनात्मक विधि है प्रदर्शन विधि। कभी कभी शिक्षक प्रदर्शन भी करते हैं, आप कभी चार्ट का प्रदर्शन करते हैं, मॉडल का परीक्षण का प्रदर्शन करते हैं, मानचित्र, ग्लोब, कई जो भी टीचिंग एड्स हैं हमारे पास, और कई बार तो हम प्रयोगशाला में लेके पूरे उपकरणों के साथ किसी नियम का, किसी सिद्धांत का पूरा प्रयोग करके दिखाते हैं और विद्यार्थी बाद में उसे खुद प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग करते हैं, जो कि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि शिक्षक उसमें मुख्य सक्रिय रहता है, कार्य करने वाला रहता है। फिर हमारे पास एक अन्य विधि है आगमन एवं निगमन विधि, जिसमें शिक्षक दो विधियों के द्वारा पढ़ाता है, या तो आगमन के द्वारा या निगमन के द्वारा। तो इसके अलावा शिक्षक बातचीत विधि का प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करते हैं कक्षा में, बातचीत विधि में डिस्कशन करते हैं लेकिन उसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है और विद्यार्थियों को अवसर देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होते हुए अपने को अभिव्यक्त करें, प्रश्नोत्तर विधि है। तो हमारी जो व्याख्यान विधि है वो भी कई बार हम प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर के साथ प्रयोग करते हैं, कभी हम उसकी चर्चा के साथ प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह चर्चा विधि। तो इस तरह से हमने अनुदेशनात्मक विधियों की मुख्य मुख्य है व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन निगमन, बातचीत, प्रश्नोत्तरी, यह है हमारी मुख्य मुख्य अनुदेशनात्मक विधियाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और तरीका होता है समझने का कि कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ कहलाती हैं। क्या विद्यार्थी अनुकूल विधियों पर आप प्रकाश डालेंगे? जी सर, हमारा जो दूसरा मोटा विभाजन है, मोटे मोटे तौर पर जो विभाजन है वो है विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, और जिसमें हम कहते हैं विद्यार्थी अनुकूल या विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ, जिसमें विद्यार्थी पूरी तरह से सक्रिय है कक्षा में। यदि हम इन विधियों से पढ़ाएं तो हर विद्यार्थी सक्रिय होता है कक्षा में। ऐसा जैसे व्याख्यान विधि हम पढ़ा रहे हैं तो व्याख्यान में शिक्षक सक्रिय हैं और आगे की पंक्ति में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थी सक्रिय हैं या नहीं हैं शिक्षक को नहीं पता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी कक्षा में सोते भी रहते हैं या सक्रिय नहीं रहते हैं, या जब प्रश्न पूछते हैं शिक्षक तो कुछ विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं, कुछ विद्यार्थी उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो इससे शिक्षक को नहीं पता चलता कि सब विद्यार्थी अधिगम में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब हम विद्यार्थी अनुकूल विधियों का प्रयोग करते हैं तो उसमें कक्षा के हर विद्यार्थी को सक्रिय होना जरूरी है, हर विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है, और हर विद्यार्थी सीखने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। तो जो शिक्षा विद्यार्थी अनुकूल विभिन्न विधियाँ हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है खेल विधि, एक विधि है हमारे पास खेल विधि, फिर हमारे पास है परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, भूमिका निर्वाह विधि, भ्रमण विधि, यह भिन्न भिन्न तरह की विधियाँ हैं जो कि विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ हैं, जिसमें विद्यार्थी अधिक सजग है और शिक्षक की भूमिका है कि वह विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें, विद्यार्थियों को सहायता करें। यानी विद्यार्थियों इस प्रकार की विधियों में विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय रहता है। जी हाँ, विद्यार्थी ही अधिकांश चीज़ें पठन पाठन में शामिल हो करके
अधिकांश चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उसमें शामिल होते हैं अधिकांश क्रियाओं में। और शिक्षक की भूमिका फिर क्या होती है? शिक्षक वहाँ पे एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है और विद्यार्थियों को सारी जो अधिगम की परिस्थितियाँ हैं कक्षा में, अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में, उसको शुरू करने में, उसको विकास करने में, उसको किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से उसकी योजना बने, तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर एक मार्गदर्शक की रहती है, ना कि जो अन्य विधियों में जहाँ शिक्षक ही पूरी तरह कक्षा पर प्रभावी था, विद्यार्थी निष्क्रिय थे, लेकिन यहाँ विद्यार्थी सक्रिय हैं और शिक्षक की भूमिका एक एक सहायककर्ता के रूप में है और विद्यार्थी उनको जो कि अधिगम को सहायता प्रदान कर रहा है कि अधिगम बेहतर हो। जी जी, इस तरह से हमने देखी कई विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। आजकल खेल विधि शिक्षण के रूप में एक खेल विधि का काफ़ी प्रचलन है और इसे पसंद किया जा रहा है। खेल विधि क्या है? सर, खेल विधि एक बहुत ही लोकप्रिय विधि है, खासकर जब हम प्राथमिक शिक्षकों की बात करें या प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक पूर्व प्राथमिक प्राथमिक कक्षाओं में इस विधि का बहुत महत्व है। हमने सुना है मोंटेसरी शिक्षण पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, जिसमें कि खेल विधि को अधिक महत्व दिया गया है, जैसे प्ले वे मेथड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि खेल खेल में विद्यार्थी कैसे सीखें। इस विधि का जो मूल गुण है वो यह है कि खेल बच्चों का नैसर्गिक स्वभाव है। हर विद्यार्थी, हर छोटा जो बच्चा है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, वो खेलना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी आता है तो इंतज़ार करता है कि कब घंटी बजे, स्कूल की घंटी बजे और उसके दोस्तों के साथ उसे खेलने को मिले। हम लोगों को भी अपने बचपन में उसी तरह की बात होती थी। जी हाँ, तो जो लंच ब्रेक होता है तो विद्यार्थी उस लंच ब्रेक में अपना लंच जल्दी ख़त्म करते हैं। उसका कारण यह है कि वो चाहते हैं कि जो थोड़ा समय बचा पाते हैं उसमें कुछ खेल पाएँ। तो खेलने के लिए विद्यार्थी हमेशा तैयार रहता है। जो छोटे बच्चे हैं वो खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए वो तत्पर नहीं रहते। तो क्यों ना हम खेल और पढ़ाई को एक साथ मिला दें और खेल विधि के द्वारा पढ़ाएं, तो विद्यार्थियों में आनंद की उनको अनुभूति होगी, वो खेल खेल में कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये तो उनका नैसर्गिक स्वभाव है। खेल बच्चों की आवश्यकताओं की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, ये तो उनकी प्राकृतिक आवश्यकता है। तो खेल खेल खेलने के कारण ही उनकी जो दोस्तों बनाने की, दोस्त दल में रहने की, बच्चों के साथ अपने अपने विभिन्न तरह के खेलों को खेलने की जो प्रवृत्ति है, उसका उपयोग करते यदि विद्यार्थियों में शारीरिक, उनका संज्ञानात्मक, उनका भावनात्मक, उनका सामाजिक, उनका नैतिक विकास हम करें, तो उस विधि को हम खेल विधि कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक शंका मन में आती है, खेल तो खेल है जी, तो फिर इससे अध्यापन कैसे हो सकता है? जी हाँ हाँ, ये है, कई बार हमारे शिक्षक साथियों के मन में संख्या रहती है, शंका है कि खेल और अध्यापन अलग अलग हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है कि खेल अलग है और अध्यापन अलग है। तो खेल खेल में अध्यापन जब करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे कि हम कक्षा में पढ़ाते क्या हैं, हम कक्षा में क्या सिखाना चाहते हैं, हम कक्षा में सिखाते हैं तथ्यों को सिखाते हैं, अवधारणाओं को सिखाते हैं, और यह तथ्यों और अवधारणाओं को हम खेल के द्वारा भी सिखा सकते हैं। तो या तो हम खुद उन्हें व्याख्यान द्वारा समझाएं या विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वो खुद सीखें, खेल खेल में सीखें, तो यह भी हो सकता है। और जब यह हम ऐसा करते हैं कक्षा में तो विद्यार्थी अपने आप सजग हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जीतने की भावना आती है उनमें, क्योंकि खेल तो आनंद का विषय है। क्योंकि तो बच्चों को हम कक्षा में अलग अलग समूह बना दें, उनके अलग अलग समूह बना दें, अलग अलग दल बना दें, और उनको फिर आपस में प्रतिस्पर्धा कराएं, वो बौद्धिक प्रतिस्पर्धा है। तो कक्षा के अंदर जो ये बौद्धिक प्रतिस्पर्धा है, अगर ये आयोजित करते हैं और हम जीतने वाले को अंक प्रदान करता है शिक्षक, शिक्षक ने जैसे दो समूह बनाए कक्षा में, अलग अलग दल बनाए और प्रश्न पूछना शुरू किया, इस विद्यार्थी एक दल से पूछा, उसको एक कुछ अंक दिए, इससे पूछा एक अंक दिए, या कुछ क्रियाकलाप दिया उन्हें, हम कर सकते ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षक ने दोनों ही दल के विद्यार्थियों को एक एक मानचित्र दे दिया, मानचित्र दिया और उसमें से उन्हें समस्या दी कि कुछ स्थलों के नाम दिए कि इन्हें ढूंढ कर बताएं। तो उन्हें एक कार्य दिया कि मानचित्र में उन्हें अंकित करना है कि इस यह जगह कहाँ पर है। तो पहले दल को दिया, उन्हें 30 सेकंड का समय दिया, अगर 30 सेकंड के अंदर उन्होंने ढूंढ लिया कि वो जगह कहाँ है, उन्हें एक अंक प्रदान किया। तो दूसरे दल के पास गए,
उन्हें दूसरा समस्या दी कि आपको यह ढूंढना है कि इस पांचित्र में कहा है। यदि उन्होंने सही बनाया तो विद्यार्थी श्याम पट पर अंक तालिका बना के एक अंक इस टीम को मिला। इस तरह से विद्यार्थी में जीतने की भावना होड़ आ गई, प्रतियोगिता की भावना। तो सबके सारे विद्यार्थी सजग हो गए, उस दल के सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ अपना योगदान देने लगे कि हम यहाँ पर इसको इस मानचित्र में अगर इस अंकित करेंगे इसे तो इसे सही जवाब मिलने पर हमें सही अंक मिलेगा और हमारा दल जीतेगा। तो जीतने की जो भावना है विद्यार्थियों में वो खेल विधि से अत्यधिक प्रभावी हो जाता है और हमारा अधिगम प्रभावित होता है उससे और अधिगम बेहतर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्व ज्ञान है विद्यार्थियों का और जो दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अपने परिवार में जो सीखते हैं वो खेल विधि के से उसकी अभिव्यक्ति होती है और अधिगम बेहतर होता है। तो यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्व उपयुक्त विधि है। आपने खेल विधि के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन खेलने में भी शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है जी, और जब हम काम करते हैं कोई कार्य करते हैं तब भी शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है जी सर। तो खेल और कार्य में क्या फ़र्क फिर होता है? जी हाँ, हम जैसे कि कार्य करते हैं कोई, हम विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो वो भी एक कार्य है लेकिन खेल और कार्य अलग अलग हैं, क्योंकि जो उनका मूल गुण है, कार्य तो दूसरों के द्वारा दिया गया है लेकिन खेल थोपा नहीं जा सकता जी। खेल तो स्वतः भावना के साथ खेलते हैं, तो जो कार्य है हमारा, जो वर्क है, जो कार्य है, वो दूसरों के द्वारा दिया जाता है, और जो खेल होता है वो स्वैच्छिक रूप से आनंद के साथ खेला जाता है जी। क्योंकि स्वैच्छिक रूप से अपने मन से अपनी इच्छा के साथ खेला जा रहा है और उसमें आनंद भी आता है, क्योंकि उसमें किसी ने आपको बाध्य नहीं किया खेलने के लिए। तो खेल में यदि कोई भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, शतरंज है, तो खेल तो हर बच्चा अपनी मर्जी से खेल रहा है और उसको उसमें आनंद आ रहा है और उसमें उसको थकावट नहीं हो रही है जी। चाहे जितनी फुटबॉल खेलता है उसको थकावट, शारीरिक थकावट है लेकिन उसे आनंद आ रहा है उसका, उस थकावट का आनंद। तो बौद्धिक खेल हो, शारीरिक खेल हो, उसको करने में उसके साथ आनंद आता है जी। तो इसलिए वो कार्य से भिन्न है। कार्य थोपा जाता है, उसे बाध्य किया जाता है, लेकिन खेल मन से खेला जाता है, स्वैच्छिक रूप से खेला जाता है। और कार्य करने में तो थकावट उत्पन्न होती है लेकिन खेल खेलने में आनंद उत्पन्न होता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम कोई कार्य करते हैं, यदि हमें कोई कार्य दिया गया है तो जब उस कार्य करने में हमको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, अधिक एकाग्रता के साथ कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, लेकिन खेल, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो यह स्वतः होता है, स्वतः ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य अधिक नियंत्रित होता है, क्योंकि हमको एक नियंत्रित परिस्थितियों में एक सख्त अनुशासन के अंतर्गत कार्य करना होता है, क्योंकि हमें कोई देख रहा होता है या हमें कोई निर्देश देता है। तो कार्य में उतनी स्वतंत्रता नहीं है लेकिन खेल में स्वतंत्रता अधिक होती है, या मैं कहूँ तो खेल में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी खेल को खेल सकता है। मान लीजिए एक शतरंज का खेल है तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता है खिलाड़ी के पास कि वो कौन सी चाल चले, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है वो। तो हम कहते हैं कि जब हम बौद्धिक खेल खिला रहे हैं कक्षा में, अलग अलग दल बना के किसी तथ्यों को या संकल्पना को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें पूर्ण स्वतंत्रता देनी पड़ती है शिक्षक को, विद्यार्थियों को, कि वो किस तरह से उन तथ्यों को, अवधारणाओं को समझे और उसे प्रस्तुत करें या दिए गए कार्य को किस तरह से करें जी। जी, तो इस तरह से हमने देखा कि सर कि खेल एवं कार्य दोनों भिन्न हैं और खेल में सीखना अधिक आसान है। बहुत अच्छा। यदि कुछ कार्य दिया, ग्रह कार्य दिया, तो वो कार्य हो गया विद्यार्थियों के लिए। उन्हें ग्रह कार्य दे दिया कि आप घर जाके उनको करना है ये कार्य, तो उनके लिए बाध्यकारी हो गया ग्रह कार्य। तो विद्यार्थी उनके लिए नीरस लगता है वो काम करना, उनको कि होमवर्क करना है, उन्हें उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वही काम अगर खेल के रूप में दिया गया तो विद्यार्थी को उसमें रुचि उत्पन्न होती है, स्वप्रेरणा होती है और उस कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से खेल और कार्य में फर्क बतलाया। खेल को यदि एक विधि के रूप में हम देखते हैं तो इसके कितने घटक, कंपोनेंट्स होते हैं, दिखाई देते हैं? जी हाँ सर, जो हम खेल विधि के हम मुख्य घटक हैं हमारे पास है, जैसे कि खेल विधि का एक मुख्य घटक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता खेल विधि का एक अनिवार्य घटक है। खेल विधि में हमें स्वतंत्रता देना बहुत ही आवश्यक है। यदि विद्यार्थियों को हमने स्वतंत्रता नहीं दी
खुद निर्णय लेने के लिए उन्हें आज़ादी नहीं दी तो वो फिर खेल विधि नहीं होगी। तो खेल विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है उस खेल विधि में दी जाने वाली स्वतंत्रता। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण घटक है स्वतः क्रिया। विद्यार्थी अपनी स्वतः जो भी उसे क्रिया करनी है या जो क्रियाकलाप करना है और खेल में जो उसे गतिविधियां करनी है वो स्वतः क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थी खुद अपनी मन से या अपने आप उस क्रिया को करता है, स्वतः क्रिया का सिद्धांत है। उसके बाद हमारा अगला जो मुख्य घटक है खेल विधि का वो है रुचि का सिद्धांत या रुचि। विद्यार्थियों की जो रुचि है वो खेल में नैसर्गिक है तो विद्यार्थी रुचि लेके उस कार्य को करता है। और अन्य घटक है हमारा खेल विधि का अंतः प्रेरणा। विद्यार्थी में अंतः प्रेरणा है, खेल के प्रति वो प्रेरित है, उसको करने के लिए उसे बाहर से प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। जी जी, वो खेलने के लिए तो अंतः प्रेरित है। तो अंतः प्रेरणा एक मुख्य घटक होता है। फिर हमारा अगला मुख्य घटक है खेल विधि का स्वनिर्धारित अनुशासन। स्वनिर्धारित अनुशासन का अर्थ होता है कि या तो अनुशासन थोपा जाए कक्षा में, जैसे अनुशासन शिक्षक को बनाना पड़ता है, अनुशासन शिक्षक को कक्षा में मेंटेन करना चाहिए होता है, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन खेल में जो अनुशासन होता है वो खुद विद्यार्थी खुद अपने आप बनाता है, क्योंकि खेल के कुछ नियम होते हैं, खेल के कुछ पूर्व निर्धारित नियम हैं, उन नियम को अपने आप उसे पालन करना है। अगर उसे मालूम है, अगर उसने वो पालन नहीं किया उन नियमों को, तो वो अपने आप खेल से बाहर हो जाएगा। तो यह जो स्वनिर्धारित अनुशासन मुख्य घटक है खेल का, क्योंकि जो खेल के नियम हैं शिक्षक ने बनाए या खुद विद्यार्थियों ने बनाए, उसे हर किसी विद्यार्थी को पालन करना है। तो स्वनिर्धारित अनुशासन का एक हमारा मुख्य घटक है। अगला हमारा जो मुख्य घटक है खेल विधि में वह है सहकारिता एवं सहयोग। तो सहकारिता एवं सहयोग इस उम्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दल में रह के, एक समूह में रह के जब हम कार्य करते हैं तो हमें परस्पर संबंधों और परस्पर जो कार्य की भावना है, जो कि एक हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए जब सारे विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं तो वहाँ पर सहकारिता आती है। जब टीम वर्क में जब यदि कोई कार्य करना है, क्योंकि तब उसको जो सीखने की जो उम्र है और या जो अवधि है वो है हमारी प्राथमिक कक्षा। yes. कि कैसे हम पूरे ग्रुप में रह के, टीम में रह के किसी कार्य को कैसे करना है, तो तभी यह हो सकती है परस्पर सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे के साथ सहकारिता करना और उन सबको मिल के एक साथ किसी कार्य को करना। ये है हमारा खेल विधि का एक मुख्य घटक। इसके बाद हमारा जो मुख्य घटक आता है खेल विधि में वो है भयहीन वातावरण होना। भयहीन वातावरण का अर्थ होता है, मेरे शिक्षक साथी जानते हैं कि कभी कभी वो कक्षा में अपने व्यवहार से या अपने आचरण से विद्यार्थियों को भयभीत कर देते हैं, भयभीत कर देते हैं, डरा देते हैं जी। तो खेल में यह खेल में इसकी अनुमति नहीं है। वातावरण पूरी तरह से भयहीन होना चाहिए, विद्यार्थियों में किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उनके मन में। उन्हें स्वतंत्रता दीजिए और उन्हें पूरा मुक्त रूप से अपना अभिव्यक्ति करने दीजिए। तो भयहीन वातावरण खेल विधि का एक महत्वपूर्ण घटक है। सर हमारा एक मुख्य घटक है अनौपचारिक वातावरण। खेल में हमें कक्षा जैसा औपचारिक वातावरण नहीं रख सकते। कक्षा में तो पूरी तरह से वातावरण औपचारिक रहता है, शिक्षक के अनुमति के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई अपने को व्यक्त नहीं कर सकता या कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्रियाकलाप नहीं कर सकता। लेकिन खेल में पूरा वातावरण अनौपचारिक हो जाता है, जैसे कि खेल के मैदान में हमारे पूरा अनौपचारिक वातावरण रहता है, विद्यार्थी दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई नियंत्रण नहीं रहता, इतना नियंत्रण नहीं रहता, आत्मनियंत्रण होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर अनौपचारिक वातावरण प्रदान करना खेल विधि में आवश्यक है। खेल विधि में शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है, क्लास से बाहर भी आवाज़ जाती है कक्षा से, लेकिन यह अनौपचारिक वातावरण इसका मुख्य घटक है, इसलिए इसकी अनुमति है खेल में। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि खेल विधि में एक चुनौती होती है विद्यार्थी के सामने, जीतने की चुनौती। जैसे एक टीम है और दूसरी टीम है तो दोनों में मुकाबला हो रहा है, या एक साथ 5-10 टीम कक्षा में बनी हुई है, अलग अलग दल बने हुए हैं, तो उन दलों में आपस में कंपटीशन होता है। जैसे कि विद्यालयों में हाउस होता है, इंटर हाउस कंपटीशन होता है, कहीं कहीं पर इंटर हॉस्टल कंपटीशन होते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण भावना है वो बहुत ही मुख्य घटक है खेल विधि का।
जब तक चुनौती नहीं होगी कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती, मजा ही नहीं, मजा नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। तो चुनौतीपूर्ण भावना एक इसका महत्वपूर्ण घटक है, एवं खेल विधि का इसके साथ एक और महत्वपूर्ण घटक आता है, घटक हमारे सामने आता है, वह खेल भावना का विकास एवं सक्रियता का। तो सारे विद्यार्थी सक्रिय हैं और उनमें खेल भावना का विकास होता है, क्योंकि खेल भावना होती है जिसमें दूसरों को, जो खिलाड़ी हारता है वो भी दूसरे वालों से गले मिलता है हारने के बाद, ये खेल भावना है, उसको बधाई देता है, जो जीता है उस दल को हारने वाला बधाई देता है। तो खेल भावना, इसी को अंग्रेजी में स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप। तो स्पोर्ट्समैनशिप पर डेवलप करने में खेल विधि का बहुत योगदान है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। और प्राथमिक कक्षाओं से ही अगर यह विकसित हो बालकों में तो आगे चल के उन्हें उनके उन्नत जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो यह थे हमारे खेल विधि के जो मुख्य मुख्य घटक। बड़ी अच्छी बात आपने बताई और उसमें एक संदर्भ आया है अनुशासन का, तो अनुशासन तो खेल में भी होता है। हाँ। और कार्य कोई हम कार्य करते हैं, हाँ। हमारा असाइनमेंट होता है, उसमें भी अनुशासन रहता ही रहता है। दोनों के अनुशासन में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जी हाँ सर, अनुशासन तो अनिवार्य है, कक्षा में अनुशासन होता है, विद्यालय में अनुशासन होता है, खेल में भी अनुशासन होता है। खेल में अनुशासन होता है, खेल के नियम होते हैं, खेल के नियम तोड़ते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं टीवी पे, फुटबॉल में रेड कार्ड मिल जाता है, क्रिकेट में एम्पायर आउट कर देता है, तो ये जो खेल के जो वहाँ नियम है, यहाँ पर भी कुछ खेल के नियम है, जो कि खेल का अनुशासन जिसे हम कहते हैं। जब हम बौद्धिक कार्य करवा रहे हैं विद्यार्थियों से या खेल खेल में कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके भी नियम है जो कि उसका पालन हर किसी को करना है। लेकिन कार्य की बात अलग हो गई, कार्य का तो अनुशासन थोपा जाता है या अनिवार्य किया जाता है कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम कि वो अनुशासन पालन करना है। और जो खेल का अनुशासन है वो स्वनिर्धारित अनुशासन है, विद्यार्थी सब अपने मर्जी से उस अनुशासन का निर्धारण करते हैं और उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नियमों का जो पालन हम खेल के अंदर विद्यार्थी स्वतः कर रहे हैं, उन्हें किसी से कराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे हैं वो स्वैच्छिक रूप से अनुशासन का पालन करते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से खेलते हैं, और जो खेल के नियम वो खुद बनाते हैं, विद्यार्थी बनाते हैं, शिक्षक मिलते हैं, मिलके खेल के नियम बनाते हैं और उसका फिर सब पालन करते हैं। उससे बाहर यदि कोई जाता है तो विद्यार्थी खेल से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि खेल विधि में अनुशासन हमारे कार्य के तुलना में एकदम भिन्न है। जी हाँ सर, यदि हम चिन्हित करना चाहें तो खेल विधि के लाभों को किस रूप में हम चिन्हित करेंगे, किन किन रूपों में चिन्हित करेंगे? जी हाँ, खेल विधि के कई लाभ हैं, जो मुख्य मुख्य लाभ हैं मैं यहाँ बताना चाहूँगा। खेल विधि में जैसे कि है कि हमें किसी विषय में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना है तो हम वहाँ पे हम खेल विधि सर्वोपयुक्त विधि है। विद्यार्थी को किसी विषय में रुचि नहीं आ रही है, जैसे उसे बोझ लग रही है, बोरियत हो रही है, पढ़ना उसका होमवर्क करना अच्छा नहीं लग रहा है, या कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय नहीं है, पूरा निष्क्रिय है, लेकिन यदि उसी प्रकरण को, उसकी संकल्पना को, उस नियम को हम खेल विधि से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों में रुचि स्वतः उत्पन्न होती है। बिल्कुल, सारे विद्यार्थियों में। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन हम उसे खेल विधि से उसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा और रुचि के साथ सीखेगा। तो हमारा शिक्षा का तो यही उद्देश्य है कि अधिगम बेहतर हो और आनंददायक हो, रुचि के साथ हो। तो रुचि के साथ अध्यापन करना ये बहुत महत्वपूर्ण लाभ है खेल विधि का। जी जी। दूसरा खेल विधि का महत्वपूर्ण लाभ है अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि अन्वेषण की भावना। जैसे कि मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि विद्यार्थियों को खेल खेल में बताया कि उनको मानचित्र में किसी स्थान की खोज करनी है, तो विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना हुई कि कहाँ ढूंढे उसे और जल्दी ढूंढे उसको। हाँ। और ढूंढने के अलग अलग तरीकों से ढूंढे, अलग अलग तरीकों से ढूंढे और पूरा टीम के साथ ढूंढे, मतलब एक विद्यार्थी ये कार्य नहीं करे, पूरी टीम के साथ उस काम को करना है। तो वहाँ पे उनमें अन्वेषण की जो भावना होती है और जो अन्वेषण की जो उनमें कौशल होता है उसको यह खेल विधि प्रोत्साहित करती है। इसके साथ विद्यार्थी स्वैच्छिक रूप से भाग लेते हैं। तो हमने यह देखा कि इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है कि हमें खिलाने के लिए उनमें किसी को बाध्य नहीं करना पड़ता, वो स्वेच्छा से इस कार्य के लिए भाग लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी स्वतः खेलों का आयोजन करते हैं, तो जो आयोजन क्षमता है उनमें उसका उसका विकास होता है कि किसी खेल को स्व
स्वयं आयोजित करना, उसका नियोजन करना, उसके लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, तो ये सब जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं ये भी विद्यार्थियों के अंदर आती है। फिर सृजनात्मकता, एक खेल विधि के द्वारा हम सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, विद्यार्थियों में जो क्रिएटिविटी है यह बढ़ती है, उनमें स्वनिर्मित अनुशासन बढ़ता है, तो ये मुख्य मुख्य लाभ हैं हम खेल विधि के। इसके अलावा सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन कौशल, जो जीवन कौशल है ये खेल विधि के द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। मैं उसी पर आना चाहता था कि कौशल जिसके बारे में आपने चर्चा करी है, कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है शिक्षा का। जी हाँ, तो खेल विधि के द्वारा जीवन कौशल का कैसे विकास हो सकता है, इस पर जरा प्रकाश डालें विस्तार से। जिसे हमने देखा कि खेल विधि के जो विभिन्न लाभ हैं उसमें एक महत्वपूर्ण लाभ है जीवन कौशलों का विकास करना। उसके साथ साथ हमने देखा था कि खेल विधि के अन्य लाभों में है कि आनंददायक अधिगम, स्वाभाविक अधिगम और ऊर्जादायक अधिगम, ये तो विभिन्न लाभ हैं। और उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इनमें जीवन कौशलों का विकास करना। तो जो जीवन कौशल है हमारे, जो कि जीवन कौशल जो कि हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो हमारे जीवन कौशल है। जैसे कि है समस्या समाधान, हमारे सामने किसी भी समस्या जब कोई आती है तो उसका समाधान कैसे करें, जो समस्या समाधान का कौशल है वो है हमारा एक जीवन कौशल है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। समस्याएं तो कई तरह की आती है जीवन में, जी तो उसका सबसे उपयुक्त विकल्प तलाश करके उस समस्याओं को कैसे समाधान कर पाएँ, यह है समस्या समाधान कौशल। ये हमें खेल विधि से सीखने में मिलता है। नेतृत्व क्षमता, जब हम किसी ग्रुप में या किसी दल में कार्य करते हैं तो वहाँ पे नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि उसमें से कोई एक विद्यार्थी दूसरों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। तो जो नेता होता है ग्रुप का, किसी दल का नेता होता है, वो नेतृत्व करता है अपने समूह का। उसके बाद फिर तर्कपूर्ण सोचना, जो महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन कौशल है कि किसी काम को तार्किक रूप से कैसे करना, तो तर्कपूर्ण सोचने की जो कौशल है ये खेल विधि से विकसित होती है कि तर्क के साथ किसी कार्य को कैसे करना। जैसे कि हम कई विकल्प हैं हमारे पास, तो तर्क के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव कैसे करें, यह होगा खेल विधि से हमको ये सीखने में मदद मिलती है। क्योंकि विद्यार्थियों को जवाब देना पड़ता है खेल विधि में, कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना पड़ता है, तो स्वतः ही उनमें तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद आती है स्व अभिव्यक्ति, कि अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति कैसे करें। तो स्व अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन, यह खेल विधि के द्वारा विद्यार्थियों को मौका मिलता है। कई बार हम कक्षा में देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी हैं जो कक्षा में कभी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हैं, शिक्षक कई बार उनसे प्रश्न पूछे तो जवाब भी नहीं देते, तो जो स्व उनकी अभिव्यक्ति है वो नहीं हो पाती। लेकिन इसके विपरीत जब वो कोई खेल खेलते हैं तो वो विद्यार्थी बोलते हैं, बात करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, तो जो स्व अभिव्यक्ति है ये खेल विधि से विकसित होती है। इसके अलावा हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल यानी कि बातचीत करने का जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, ये इसका विकास खेल विधि के द्वारा होता है। फिर हमारी सहकारिता की भावना, समूह में कार्य करने की भावना या समूह में कार्य करने की योग्यता, समूह में कार्य करने का कौशल, अधिगम बेहतर करना, तो ये सब जीवन कौशल हैं हमारे। और इन सब जीवन कौशलों का विकास खेल विधि के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। अच्छा हितेश जी, खेल विधि किन किन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, किन किन शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित? जी हाँ सर, खेल विधि के कई सिद्धांत हैं, मैं जिसका एक एक करके आपको जिससे बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे खेल विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतः शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण। जो अंतः शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण या सेल्फ एक्सप्रेशन का सिद्धांत है यहाँ पर काम करता है। यहाँ हर खेल खेलने में हर विद्यार्थी सक्रिय है और वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। दूसरा हमारा पास खेल विधि का सिद्धांत है नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत, क्योंकि खेल अपने आप में एक नैसर्गिक कला है। तो विद्यार्थी जब उनके नैसर्गिक स्वभाव को जो चीज़ अच्छी लगती है वो काम करना पसंद करते हैं,
तो खेल तो उनका नैसर्गिक स्वभाव है। तो यहाँ पे नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत कार्य करता है, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत है। तो पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत इसलिए कार्य करता है क्योंकि खेल में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और पूर्ण स्वतंत्रता जहाँ विद्यार्थियों को और खासकर छोटे बच्चों को जब पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ पर अधिक प्रभावी है। फिर क्रियाकलापों का सिद्धांत, क्योंकि क्रियाकलाप में विभिन्न विद्यार्थी पूरे समूह में रहकर कुछ कार्य करते हैं, तो यहाँ क्रियाकलाप का सिद्धांत कार्य करता है। फिर हमारे पास खेल विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत एवं आनंद का सिद्धांत। तो हमने जैसे देखा था कि हम वो कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें हमें आनंद मिलता है, लेकिन हम वो कार्य पसंद नहीं करते जिसमें हमें पीड़ा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्यार्थी को खेलने में आनंद मिलता है इसलिए वो खेल में पढ़ना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन यदि वही कार्य उन्हें सजा के रूप में दिया जाए तो उन्हें पीड़ा मिलती है और वो कार्य वो नहीं करना चाहते या उस कार्य करने में उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत, क्रियाकलाप का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत और अंत शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत खेल विधि के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खेल विधि के संबंध में डॉक्टर हितेश आपने बहुत विस्तार से बताया। सर इसमें मेरे दो सिद्धांत और बताना चाहूँगा, एक सृजनात्मकता का सिद्धांत और जिम्मेदारी का सिद्धांत, क्योंकि जिम्मेदारी की भावना और सृजनात्मक कौशल का विकास भी खेल विधि के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों में खुद जिम्मेदारी की भावना आती है, क्योंकि यदि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है, जैसे हमने फुटबॉल में देखा किसी को गोलकीपर बनाते हैं तो उसके ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी ऐसे ही किसी खेल में हम हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है, कुछ भूमिका दी जाती है, तो अपने आप जिम्मेदारी से उस चीज़ को उनको पूरा करना रहता है। तो जिम्मेदारी का सिद्धांत, सृजनात्मक का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। और जब वो दल बना के प्रतिस्पर्धा के साथ कोई कार्य करते हैं तो बेहतर रूप से उस चीज़ को सीख पाते हैं। इतनी अच्छी बातें आपने बताई खेल विधि के बारे में। अब मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि इसके कुछ उदाहरण देते हुए अपनी पूरी बात को आप संक्षेप में एक बार सम अप कर लें। जी हाँ सर, जैसे कि खेल विधि पे हम विभिन्न तरह के प्रकरणों को खेल विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक शिक्षक खेल विधि के द्वारा हम कोई तथ्यों को पढ़ाना चाहता है कक्षा में, मान लीजिए वो विद्यार्थियों से पहचान कराना चाहता है कि जैसे कि एक होती है खाद्य श्रृंखलाएँ, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना विद्यार्थियों को बताना चाहता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला ना पढ़ाने के पहले वो विद्यार्थियों से को खेल में ये सिखाना चाहता है कि किसे हम उत्पादक कहेंगे, किसे उपभोक्ता कहेंगे, किसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, किसे द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। तो शिक्षक कर सकते हैं कि बहुत सारे चित्रों को इकट्ठा करें, घर से लेकर आएँ, अपने एक एक बोर्ड के ऊपर चिपका के, जैसे गत्ते के टुकड़े पर चिपका के बहुत सारे छोटे छोटे चित्रों को, जैसे कि कई वृक्षों के या फिर छोटे छोटे झाड़ियों के जो कि उत्पादक हैं उनके चित्रों को लाएं, फिर प्राथमिक शाकाहारी जीव जंतुओं के चित्रों को लेकर आए, मांसाहारी जीव जंतुओं के चित्रों को लेकर आए और उन सबको बांट दे विद्यार्थियों में, अलग अलग समूह बना दे विद्यार्थियों के, छोटे छोटे उनके दल बना दे और उनमें बांट दें और उनमें से पहचाने को कहें कि उसमें से उत्पादक कौन है, और उन हर श्यामपट पर एक जैसे हम क्विज में बनाते हैं ऐसी तालिका बना दें और तालिका में बता दें कि अगर उन्होंने सही उत्तर दिया तो इस अमुक ग्रुप को एक नंबर मिलेगा, यानी कि ए बी सी डी ग्रुप बना दिए, उनमें से कहा कि इस ग्रुप ने सही उत्तर दिया, उत्पादक कौन है, किसी ने उस चित्र को बता दिया कि ये उत्पादक का चित्र है, उसे एक नंबर दिया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, शाकाहारी कौन है, तो उसने सही उत्तर बताया, उसे एक नंबर दिया। और तीसरे को पूछा कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, इस तरह के प्रश्नों को विभाजित कर दिया और एक एक से सही उत्तर लेते रहे, और इस तरह से उन्होंने अंक तालिका में आखिरी में सारे प्रश्नों को खत्म होने के बाद दिया कि प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, और विद्यार्थियों से ही पूछा कि अब बताइए खाद्य श्रृंखला बना के बताइए, जिसने खाद्य श्रृंखला बना के बताई उसको कहा कि अधिक अंक दिए और उसको विजेता घोषित कर दिया। तो ऐसे ही प्रतिस्पर्धा करके अलग अलग विभिन्न दलों के साथ खेल में हम पढ़ा सकते हैं कक्षा में। बहुत अच्छा डॉक्टर हितेश, आपने खेल विधि के बारे में विस्तार से हम लोगों को जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को धन्यवाद सर।